समय हो गया है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर का, तो चलिए देख लेते हैं इस खास खबर को। मंडी में किसानों को नहीं मिल पा रहा है नगद भुगतान। मंडी में अनेकों व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते किसान परेशान हैं, और इसी समस्या को लेकर मध्य प्रदेश के जिला देवास खातेगांव कन्नौज में पूर्व विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कैलाश कुंडल के साथ क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसानों ने खातेगांव के अनुविभागीय अधिकारी संतोष तिवारी के साथ किसान हित में चर्चा की और जो भी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया गया। देखिए, प्रमुख मामला यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश दिए कि 2 लाख रुपए तक किसानों को नगद भुगतान किया जाए, लेकिन इसमें बैंक वाले बहुत सारे तकलीफें पैदा कर रहे हैं, जबकि दो करोड़ पर TDS भी खत्म कर दिया गया है। ये उपसंचालक कृषि विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बैंक वाले अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। और इसी के संबंध में आज ये पूर्व मंडी अध्यक्ष गण, हमारे पलकराम भाई, लक्ष्मी नारायण जी और समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गण सब ये बात करने आए थे SDM साहब से कि यह व्यवस्था को तत्काल सुधारा जाए, क्योंकि इससे शासन हमारा बदनाम हो रहा है। साथ ही साथ ये किसान की बहुत गंभीर समस्या है, अगर 2 लाख रुपए नगद उसको नहीं मिलेंगे तो वो खातेगांव बाजार से सामान कैसे खरीद पाएगा। अभी SDM साहब के पास मंडी का भी अधिकारी है, वो भरसा का अधिकारी हैं, तो क्या आश्वासन मिला SDM साहब की तरफ से? नहीं, SDM साहब 5 बजे बैंक वालों की बैठक बुलाई है और बैंक वालों से बात करके जो आदेश जो संचालक कृषि का आए हैं वो बताते हुए कि तत्काल 2 लाख रुपए नगद भुगतान की व्यवस्था की जाए, और जो जब शासन ने TDS समाप्त कर चुका है तो उस पे जो अनावश्यक रूप से बैंक वाले रोक लगा रहे हैं ताकि व्यापारी खुल के व्यापार कर सके, नगद भुगतान कर सके। अभी स्थिति यह है मंडी में कि किसानों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात भी जानकारी भाई, पीने का पानी नहीं है, कैंटीन की नीलामी नहीं हो पाई है, कैंटीन की नीलामी के टेंडर लग चुके हैं और उनका प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्थाएं सुधारें। निश्चित रूप से देर हो चुकी है, लेकिन अतिशीघ्र जो है उम्मीद हम करते हैं, जैसा आश्वासन दिया है, कि प्रशासन इस व्यवस्था को सुधार कर किसानों को सुविधा का लाभ पहुँचाएगा।